दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग की 6.2 केजी की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में किस तरीके से आप उसको ऑपरेट करेंगे और किस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे। फुल रिव्यू आज हम आपको देने वाले हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको वॉशिंग क्वालिटी भी क्या मिल रही है, सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपको कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु और आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम टीवी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम जब भी अपलोड करें आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, ये पाइप है। इस पाइप के द्वारा जो पानी है वो हमारी मशीन के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम इस पाइप को किसी भी नल वगैरह में अटैच कर लेते हैं। चलिए हम इस पाइप को नल में अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम अटैच करेंगे। तो इसको पेचकस के द्वारा हमें नट को टाइट करना पड़ेगा। तो चलिए हम फटाफट से इसे टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा जो पाइप है पूरी तरीके से अच्छे से कस गया है। अब देखिए इसको हम चालू करेंगे तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल भी पानी निकल नहीं रहा है, मतलब पाइप हमारा अच्छे तरीके से कस गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रही हमारी जो वॉशिंग मशीन है। तो ये सैमसंग की हमारी वॉशिंग मशीन है, 6.2 केजी की मशीन है ये। तो यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स देखिए इसमें दिए गए हैं। डायमंड ड्रम पे यहाँ पे साइड में आपको लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे कुछ फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि वॉश, रिंस, स्पिन, इसके जो फंक्शंस हैं यहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइमर देखने को मिल रहा है। मानसून के हिसाब से आपको जो टाइमर है वो चेंज कर सकते हैं, 15 मिनट या फिर 30 मिनट, कितना भी टाइमर आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे आपको वाटर लेवल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 लेवल तक आप यहाँ पे वाटर कपड़ों के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं मैनुअली। साथ में यहाँ पे स्टार्ट और पॉज बटन दी हुई है, साथ में ऊपर यहाँ पे पावर बटन दी हुई है। यहाँ पे साइकिल दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको कई वॉशिंग साइकिल देखने को मिल जाएंगे, नॉर्मल, सोक, यहाँ पे क्विक वॉश, ब्लैंकेट, डेलिकेट्स और इको टब क्लीन। साथ में यहाँ पर डिले एंड का बटन एक देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इस वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है और क्या क्वालिटी रहती है। आगे चल के हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस ढक्कन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है डिटर्जेंट का। तो यहाँ पे हमको डालना है डिटर्जेंट पाउडर। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर से अभी डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे। साथ में आप नीचे का सेक्शन देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ छोटे छोटे से यहाँ पे डायमंड टाइप से एक शेप दिखाई दे रहा है। ये इसको डायमंड ड्रम बोलते हैं, इस पूरे को डायमंड ड्रम बोलते हैं। साथ में आपको यहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे। इस छोटे होल्स का रीज़न ये है कि आपके यदि वॉशिंग मशीन में बड़े होल्स यदि अंदर होते हैं ड्रम में तो कपड़े फंसने का चांस आपको यहाँ पर हो सकता है। लेकिन छोटे जितने भी छोटे छेद हैं तो इन छोटे छेदों का आपका एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसमें जो कपड़े हैं वो फंसेंगे नहीं, जिस कारण से आपके जो जितने भी कपड़े इसके अंदर आप डालेंगे तो सेफ़ रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर एक शेप मिल जाता है, देखिए यहाँ पर एक फ़ैन टाइप से आपको शेप देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो वॉशिंग की क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होगी। साथ में यहाँ पे डायमंड टाइप से सेफ है, इसमें भी आपके जो कपड़े जो रब होंगे तो इससे भी वॉशिंग की क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी देखने को मिलेगी आपको। तो साइड में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये एक फिल्टर लगा हुआ है। तो देखिए इस फिल्टर को दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से जैसे ही आप इस बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये फिल्टर निकल आता है। तो ये फिल्टर आपका किस काम में आता है कि जितना भी आप मतलब जब वॉश करेंगे कपड़ों को तो इसमें जो फिल्टर में यहाँ पे आपको सारा कचरा जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो ये देखिए, तो ये साइड से इस फिल्टर को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे जो पूरा जो कपड़ा अपन वॉश करेंगे सारा कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इसको हम निकाल करके वापस से वॉश करके अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए इसको अभी हम लगा देते हैं। तो इसको हमने दोबारा से यहाँ पर सेट कर दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर जो कपड़ों को है साफ़ करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम कुछ कपड़े डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे टी शर्ट और जीन्स यहाँ पे डाल रहे हैं। तो ये देखिए इसके अंदर हम कुछ कपड़े डाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने कुछ कपड़े यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इसके साथ साथ में हम यहाँ पे डिटर्जेंट भी डालेंगे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पे इस बॉक्स को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम डिटर्जेंट डालेंगे।
तो ये यहाँ पर हमने डिटर्जेंट भी डाल दिया है। अब इसको बॉक्स को हम सिंपली बंद कर देंगे। अब इस बॉक्स को बंद करने के बाद में अब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अभी हमारे जो कपड़े हैं इसमें कोई इतने ज़्यादा हैवी कपड़े हैं नहीं, तो इस कारण से हम नॉर्मल वॉश हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब इसके बाद में हमको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट बटन को, तो मशीन जो है ऑटोमेटिक जो ड्रम है, देखिए आप जो ड्रम है ऑटोमेटिकली मूव करेगा ये यहाँ पे। अब मूव करने के बाद में कपड़ों का वेट डिसाइड करेगा, कपड़ों का वेट कितना है उस हिसाब से यहाँ पे जो लेवल है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर लिया है कपड़ों का वेट। अब ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो सर्फ था वो यहाँ बॉक्स से नीचे जा रहा है, वहाँ पर पानी आने स्टार्ट हो गया, यहाँ पर पानी आना। तो अब इस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टाइम यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे 40 मिनट का टाइम आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे यहाँ लेवल 2 तक वाटर, यानी जो वाटर का लेवल है यहाँ पे, वो लेवल 2 तक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये नॉर्मल आपका साइकिल में, नॉर्मल साइकिल में यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है। और ये यहाँ पे आपका स्पिन, रिंस, वॉश, तीनों लाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। वॉश में आपका ब्लिंक कर रहा है, यानी वॉशिंग स्टार्ट अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो वाटर है आपका, देखिए वाटर आ रहा है। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा स्किप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब यहाँ पे जो इसका पानी का जो लेवल था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मशीन ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐसा रोल करने लग गई है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो टाइम दिखाई दे रहा है आपको, 37 मिनट का टाइम दिखाई दे रहा है, मतलब 37 मिनट तक अभी मशीन चलेगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मशीन स्टार्ट हो चुकी है, वाटर लेवल जैसे कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद में मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुकी है। स्पीड ज़्यादा होने के कारण से अब यहाँ पे यदि टाइम देखें हम, तो यहाँ पे 19 मिनट का टाइम अभी भी रिमेनिंग है। अब इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मशीन की स्पीड जो है स्लो हो गई है। अब यहाँ पे आप टाइम देखेंगे तो 18 मिनट का टाइम जो है रिमेनिंग अभी बचा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, मशीन पूरी तरीके से रुक गई है। अब मशीन अभी दोबारा से स्टार्ट हुई है, बहुत तेज़ी से मशीन अभी रन कर रही है, क्योंकि जो हमारी रिंस प्रोसेस है वो अभी हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, बहुत तेज़ी से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत तेज़ी से मशीन जो है रन कर रही है अभी।
फ्रेंड्स ये हमारा वॉशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अलार्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स ये देखिए कपड़े पूरे वॉश हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे यदि हम इसकी वॉशिंग की क्वालिटी यदि देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा गंदा यहाँ पे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा अभी तो फ़िलहाल इसमें।